अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड ऑडियंस, इस वीडियो में आपको अपडेट किया जाएगा लिटरेसी मोबिलाइजर का पेपर कब होगा और डिस्ट्रिक्ट ट्रेनर, लिटरेसी कोऑर्डिनेटर और मॉनिटर्स का फाइनल रिजल्ट, फाइनल रिकमेंडेशन कब तक हो जाएगी, इस पे हम बात करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि हर नई इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहे। आए आप बात करते हैं कि लिटरेसी मोबिलाइजर का रिटर्न एग्ज़ाम कब तक होगा, जो कब से डिले हो रहा है। उम्मीद की जाती है कि लिटरेसी मोबिलाइजर का रिटर्न एग्ज़ाम ईद से पहले पहले हो जाएगा, ज़्यादा चांसेस हैं। जब ज़्यादा चांस की बात की जाती है तो उसमें ऊंच नीच हो सकती है, लेकिन जो ज़्यादा चांसेस हैं वो ये है कि ईद से पहले हो जाएगा। अब बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट ट्रेनर, मॉनिटर्स और लिटरेसी कोऑर्डिनेटर का फाइनल रिजल्ट कब तक अनाउंस हो जाएगा, ये आप बात बार बार पूछते हैं। देखें जी, डिस्ट्रिक्ट ट्रेनर के इंटरव्यू मुल्तान सेंटर में 15 जून तक हैं और मॉनिटर्स के 15 जून तक भावलपुर सेंटर में भी इंटरव्यू हैं और मॉनिटर्स के 9 जून तक रावलपिंडी सेंटर में भी इंटरव्यू हैं। ठीक हो गया, तो अभी टाइम लगेगा फाइनल रिजल्ट अनाउंस होने में, और जब तमाम सेंटर्स पे इंटरव्यू कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद 1 से 1.5 माह में इंशाल्लाह आप लोगों का फाइनल रिजल्ट अनाउंस हो जाएगा। वो कैंडिडेट्स जिनका इंटरव्यू पहले हो गया था उसके बाद इंटरव्यू पोस्टपोन हो गए, मुल्की हालात की वजह से अगेन स्टार्ट हुए, इस वजह से ज़्यादा लंबा अर्सा उनको लगता है कि टाइम ज़्यादा हो गया है इंटरव्यू होते होते, लेकिन ऐसा नहीं है, ब्रेक आने की वजह से इंटरव्यू ज़्यादा लंबे हो गए हैं। और जैसे ही तमाम सेंटर पे इंटरव्यू कंप्लीट होंगे उसके बाद इंशाल्लाह 1 माह या 1.5 माह, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आप लोगों का फाइनल रिजल्ट अनाउंस हो जाएगा। वो कैंडिडेट्स जिनका इंटरव्यू पहले हो गया था वो दुआओं पे ज़्यादा जोर रखें और अल्लाह पाक से अच्छे की उम्मीद करें, देर से आए लेकिन दुरुस्त आए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, गुड लक, अल्लाह हाफिज़।